मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि असल में मुस्लिम महिलाओं को आजादी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद मिली है। मुस्लिम महिलाओं को बधाई हो, अब 3 बार तलाक कहकर तलाक लेने वाले जेल जाएंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 75 साल बाद हमारी सरकार ने तथाकथित मुल्ला मौलवियों के एक तरफा बनाए अवैधानिक खुद के कानून को चुनौती दी है। लड़की की शादी के बाद लंदन, अरब और दुबई में बैठा आदमी अपनी बेगम को फोन पर 3 तलाक दे, यह अमानवीय कृत्य है। आज मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली है। शर्मा ने कहा, जब बोलने की, दूसरों को गाली देने की, घर जाने की आजादी है, तो उन बेटियों को अधिकार की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम बेगम ने अपने शौहर के खिलाफ 3 तलाक का केस लगाया था, तो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाप किया और सुप्रीम कोर्ट के न्याय को बदला था। रात को संसद खुलवाकर कानून बनाया गया था। उन्होंने कहा, अब इस कानून के तहत 3 तलाक देने वाले लोग जेल जाएंगे। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर मुस्लिम महिलाओं को बधाई दी। देखिए, सरकार न्याय का प्रोसीजर तैयार करती है और 75 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई जिसने तथाकथित मुल्ला मौलवियों का एक तरफा अवैधानिक स्वयं के निर्मित कानून को चुनौती दी और ये कहा कि जो बेटियां हिंदू की हो, मुसलमान की हो, अगर माँ बाप पैदा करते हैं, निकाह करते हैं, शादी करते हैं और शादी करने के बाद या निकाह करने के बाद लंदन में बैठा हुआ आदमी, अरब में और दुबई में बैठा हुआ आदमी, बम्बई में बैठा हुआ आदमी फ़ोन पर अपनी बेगम को बोल देता है तलाक तलाक तलाक, ये अमानवीय कृत्य है और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए बेटियों की सुरक्षा करने की जवाबदारी तय की। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी है मेरे हिंदुस्तान की और इसलिए उन बेटियों को मान सम्मान और अधिकार मिले। मुसलमानों की दृष्टि से हमने नहीं सोचा बल्कि बेटी के भाग्य और भविष्य के बारे में हमने सोचा है और इसलिए आज इस अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं बधाई दूंगा उन बेटियों के लिए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे मुसलमानों में भी जागृति आ रही है और मुसलमान भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वो अपनी बेटी का निकाह कराते हैं और उसको दुर्भाग्य से उनका दामाद अगर तलाक दे देता है तो आखिर उसकी बेटी भी तो परेशान होगी। बेटी किसी की भी हो, किसी से भी निकाह हो, है तो वो बेटी और इसलिए मुसलमानों में भी ये जागृति आ रही है कि वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करें और 3 तलाक जैसे अपराध को वो भी तिलांजलि देने का काम कर रहे हैं। हम और जागृति कर रहे हैं और धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे कि कानून भी सख्त हो, अपनी मर्जी पर 3 तलाक देने वाले लोग जेल जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।